नवोदय मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर्व ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है उस पर बात करने जा रहा हूँ। ये ग्रह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा समझने के लिए आप इस हमारे कार्यक्रम को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और लाइक करें। क्या है ये परिवर्तन? ये परिवर्तन है राहु का 30 अक्टूबर को होने वाला, राहु केतु दोनों का 30 अक्टूबर को होने वाला परिवर्तन, और डेढ़ वर्ष के लगभग जो है ये ग्रह मेष राशि से राहु चले जाएंगे मीन में 30 अक्टूबर से लेके 18 मई 2025 तक, और केतु तुला से लेके तुला से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे 30 अक्टूबर से लेके 18 मई 2025 तक। राहु मीन राशि में नीच माने जाते हैं, केतु कन्या में नीच माने जाते हैं, परंतु नीच होने के बावजूद भी यह परिवर्तन पूरे विश्व के लिए अत्यधिक शुभ माना जाएगा। क्यों माना जाएगा ये? उसका कारण विशेष करके ये है कि पूरा विश्व 22 अप्रैल 2024 के उपरांत अत्यधिक तनाव की स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि 22 अप्रैल 2024 को बृहस्पति मेष राशि में आ गए और राहु के साथ उन एक ही राशि में दोनों हो गए, गुरु चंडालियों का निर्माण हो गया और इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी अपसाइड डाउन हो गई, पूरी दुनिया में अस्थिरता का एक दौर चल रहा था और पूरी दुनिया में भूकंप तूफान इत्यादि प्राकृतिक दुर्घटनाओं का दौर चल पड़ा, काफी राष्ट्रों में आपस में तनाव चल पड़ा। और इसी के दौरान 7 अक्टूबर को जो है हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, और इस समय इसराइल और हमास, हिजबुल्ला और ईरान इत्यादि एक तरफ है मुस्लिम राष्ट्र, और इसराइल अमेरिका और नेटो कंट्रीज दूसरी तरफ है। तो ये एक अत्यधिक विभीषित स्थिति का निर्माण हो चुका है। इसमें लोगों को ये भी डर सता रहा है कि विश्वयुद्ध के संकेत तो नहीं है, विश्वयुद्ध तो नहीं हो जाएगा, और देश में हम सांप्रदायिक तनाव काफी देख रहे हैं इसको लेकर भी, जो तनाव फिलिस्तीन में है उसका असर भारत पे भी देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त देश में भी जो है अभी जैसे अभी पर्व का एक समय शुरू हो चुका है जिसमें दशहरा, दिवाली, नवरात्रि इत्यादि चल रहे हैं, तो सांप्रदायिक तनाव दो समुदायों में कई स्थानों में देखने को मिल रहा है। तो 30 अक्टूबर के राहु में परिवर्तन के उपरांत काफी विश्व में शांति का माहौल आना शुरू हुआ, क्योंकि ये गुरु चंडाल योग और शनि दृश्य गुरु चंडाल योग जो लगभग 200 वर्ष में आया था ये टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी सुबुद्धि जो है फिलिस्तीन को, इसराइल को, हमास को, इन सब जगहों पे थोड़ा सा धीरे धीरे सुधार का समय शुरू होगा। अमेरिका की जन्म पत्रिका में 17 नवंबर तक अमेरिका आक्रामक मूड में लग रहा है, उसके बाद अमेरिका भी जो है थोड़ा सा शांति व्यवस्था में अपने पहल के अनुरूप जो है जो अपने मन मर्जी के एक प्रकार से इनको नतीजे मिलेंगे, और वहाँ से धीरे धीरे पूरे विश्व में सुधार शुरू होगा। मुख्यतः गुरु चंडाल योग में जो है हमास उससे प्रभावित है, हिजबुल्ला प्रभावित है, इसराइल प्रभावित है, फिलिस्तीन प्रभावित है और विश्व के काफ़ी राष्ट्र प्रभावित है। वो सारा का सारा जो है वो टूट जाएगा गुरु चंडाल योग, तो सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो सुधार है कहाँ कहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमास, हिजबुल्ला धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे, और इसके अंदर जो विश्व में आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी सोच है, एक जो है दूसरे को हानि करने का जो एक प्रयास चल रहा है वो कमजोर होने लगा, निर्भर होने लगेगा, इकोनॉमी जो है वर्ल्ड ओवर बेटर होने लगेगी, विश्व में न्याय व्यवस्था और धर्म का साम्राज्य दोबारा स्थापित होने लगेगा, और ये बहुत धीरे धीरे चीजें होंगी, और 1 नवंबर से 16 जनवरी तक धीरे धीरे सुधार आएगा। अमेरिका में अपनी कुंडली में 4 जुलाई 1776 की अमेरिका की कुंडली है, उसमें 17 नवंबर तक जो है धीरे धीरे सुधार आएगा, तो लग रहा है 17 नवंबर तक जो है हिजबुल्ला का और ये सारा जो है हमास का जो है धीरे धीरे निर्भर पड़ने शुरू होंगे,
और 17 नवंबर तक ये निर्बल पड़ जाएंगे, परंतु पूरे विश्व के प्रयासों से 16 जनवरी तक जो है ये तनाव जो है लगभग समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस तारीख से 30 अप्रैल के बाद में थोड़ी सुबुद्धि रूस को, रशिया को भी, थोड़ी यूक्रेन को भी आएगी, और आते आते इनको थोड़ा लंबा समय लगेगा। 30 अप्रैल 2024 से यूएस रशिया और यूक्रेन का जो है सोल्यूशन का कुछ समय आएगा। 30 अक्टूबर के राहु के बाद परिवर्तन के बाद चीन थोड़ा ज्यादा कुटिल चाल चलेगा, उसका इकोनॉमिक डाउनफॉल जो अप्रैल से चल रहा है वो चलता रहेगा, और शी जिनपिंग का रूस में विरोध बढ़ेगा, और ये विरोध 30 अप्रैल तक बढ़ता रहेगा, 30 अप्रैल से जो है बढ़ेगा। और अब भारत की बात करें तो ये जो राहु का परिवर्तन है देश के कुंडली में अत्यधिक शुभ रहेगा। ये द्वादश भाव से राहु जो है एकादश में आ जाएगा देश की कुंडली में, लगन से द्वादश था एकादश में आ जाएगा, और साथ में ही जो है गुरु चंडाल योग टूटते ही राहु और गुरु देश की कुंडली में अलग अलग हो जाएंगे। तो देश में हम देख रहे थे बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट में, सरकार में काफी तनाव चल रहे थे, उनका फैसले ठीक होने लगे, आपस में शांति रहेगी। जैसे काफी सारे जो आप देख रहे थे ईडी की, सीबीआई इत्यादि की समस्याएं चल रही थी, वो भी एक दिशा में बढ़ने लगेंगी चीजें, यानी इनके फैसले होने लगेंगे, तो देश के लिए ये अत्यधिक शुभ रहेगा। अब जब ये राहु का परिवर्तन 30 अक्टूबर से लेकर, राहु के तो 30 अक्टूबर से लेकर चल रहा है ये, और ये 18 मई 2025 तक चल रहा है। अब इसमें जब भी राहु केतु बदलते हैं तो ग्रहण इत्यादि रखते हैं। अब भारत का जन्म जो है सर्पयोग में हुआ है, तो देश में जो ये ग्रहण लगेंगे इनके क्या असर होंगे? 5 ग्रहण लगेंगे 30 अक्टूबर से लेकर और 18 मई 2025 के बीच में। पहला ग्रहण जो लग रहा है 8 अप्रैल 2024 को, ये सूर्य ग्रहण होगा, ये देश के लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। इसके पूरे प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए, राजनीति के लिए हर प्रकार से शुभ रहेगा। इसके उपरांत जो है देश में चुनावों के परिणाम भी आने शुरू होंगे, पार्लियामेंट्री चुनाव के, जिसमें संभावना है कि मोदी जी नई सरकार बनाएगा। अगला जो ग्रहण है वो 2 अक्टूबर को है 2024 का सूर्य ग्रहण, वो भी देश के लिए पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद तीसरा जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण है 18 सितंबर 2024 को, वो भी पॉजिटिव रहेगा देश के लिए। फिर दो ग्रहण आ रहे हैं, दो ग्रहण और भी हैं। एक है 29 मार्च 2025 को होने वाला सूर्य ग्रहण, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है और 30 को शनि अपनी राशि बदल गए। तो जो ग्रहण है 29 मार्च 2025 को, उस ग्रहण में सूर्य, चंद्र, बुध, राहु, शुक्र तथा शनि, ये लगभग इतने सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। शनि राशि बदल रहे हैं अपनी 30 मार्च को और 29 मार्च को ये ग्रहण है, तो शनि भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये ग्रहण पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है, परंतु भारत के लिए ये ग्रहण शुभ रहेगा। और शनि जो है भारत की अगले ही दिन 30 मार्च को एकादश भाव में चला जाएगा। तो ये ग्रहण 29 मार्च 2025 का विश्व के लिए खराब है, भारत के लिए अच्छा रहेगा। फिर एक ग्रहण जो है 19 मार्च 2025 को, वो चंद्र ग्रहण है, वो देश के लिए विपरीत रहेगा। वो देश की राजधानी में उसका ज्यादा असर है, उसमें दिल्ली एनसीआर में पूर्व पश्चिम भारत के भागों में काफी असर रहेगा। और इस ग्रहण का असर जो है विशेष करके देश की इकोनॉमी के ऊपर, देश के सत्ता के ऊपर, राजनीति के ऊपर प्रभाव गलत पड़ता रहेगा। अब जब ये राहु का 30 अक्टूबर को परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन से आप ये समझें कि क्या क्या सुधार आ रहे हैं। हुआ ऐसा है कि 23 जनवरी 2020 को शनि ने राशि बदली थी और मकर में आ गया था, उसके उपरांत 30 अक्टूबर 2023 तक राहु, शनि, बृहस्पति और मंगल के भ्रमण ऐसे रहे, पूरा विश्व कोविड में फंसा रहा, पूरे विश्व में रूस और यूक्रेन का ये तमाशा शुरू हो गया, अब फिलिस्तीन इत्यादि का ये चल रहा है, भारत में ही बड़ी उठापटक रही कोविड इत्यादि का, इन चीजों से पूरे विश्व को छुटकारा मिलने लगे। उस छुटकारे मिलने में कारण क्या है?
एक तो बृहस्पति जो बड़े खराब चल रहे थे 30 अक्टूबर से धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, और ये 30 अक्टूबर से लेकर 30 अप्रैल तक मेष राशि में चलेंगे, शनि की दृष्टि में रहेंगे, परंतु राहु के अलग होने के कारण ये थोड़े से बेटर हो जाएंगे। 30 अप्रैल से लेके बृहस्पति जो है 30 अप्रैल 2024 से लेके 15 मई 2025 तक वृषभ राशि में चलेंगे, देश की कुंडली में लगन में एकादश भाव में आएंगे, देश के लिए अत्यधिक उत्तम रहेंगे। शनि जो है वैसे ही अच्छे चल रहे हैं देश की कुंडली में दशम में, ये भी अच्छे चलेंगे। तो ओवरऑल जो है राहु का, बृहस्पति का, शनि का, इन तीनों ग्रहों का अलग अलग राशियों में, ये कार्मिक ग्रह माने जाते हैं, अलग अलग राशियों में इनका जो मूवमेंट है वो पूरे विश्व के लिए और खासकर भारत के लिए बहुत शुभ रहेगा। भारत की जो तैयारी है कि ये अगले 7 वर्ष में जो 2030 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था और एशिया की दूसरी, लग रहा है उस रास्ते के लिए ग्रह परिवर्तन बहुत अधिक शुभ होने जा रहा है। केवल कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को और भारत को सावधान रहना पड़ेगा। वो ग्रह स्थितियां इस प्रकार हैं कि 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 का जो समय है, इसमें क्या हो रहा है कि राहु मीन में है और शनि भी 30 मार्च को मीन में चले जाएंगे, तो राहु शनि दोनों मीन में चले जाएंगे और 18 मई के उपरांत राहु कुंभ में आ जाएंगे 2025 में। परंतु ये एक चीज और हो रही है, 30 मार्च 2025 से 15 मई 2025 तक ये जो समय है गुरु वृषभ में रहेंगे और राहु शनि की कंबाइन दृष्टि में रहेंगे, तो ये भारत के लिए, विश्व के लिए, इकोनॉमी के लिए सिर्फ लगभग 45-50 दिन का समय जो तनावपूर्ण है, अन्यथा ये समय ठीक रहेगा। एक समय थोड़ा सा और है जिसमें कि मंगल मीन राशि में 12 अप्रैल 2024 से 6 जून 2024 तक चलेंगे, तो मीन राशि में मंगल का और राहु का मूवमेंट जो है ये थोड़ा पूरे विश्व में तनाव के लिए ले जाएगा, परंतु भारत के लिए ये वैसे भी शुभ है। तो अगर हम सारी पूरी ग्रह स्थितियों को देखें तो राहु का ये राशि परिवर्तन ये पूरे विश्व के लिए, हालांकि नीचे राशियों में जाने राहु के तो, परंतु जो ये गुरु चंडाल योग और 2020 से प्रकार से इस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही थी, पूरे विश्व के लाखों लोग जो है कोविड में खत्म हो गए, पूरे विश्व की इकोनॉमी डाउन चल रही है, उस सारी चीजों से पूरे विश्व को छुटकारा मिलने की पहली तारीख है 30 अक्टूबर, दूसरी तारीख है 30 अप्रैल 2024 और तीसरी तारीख है 15 मई 2025। और गुरु का जो भ्रमण आएगा गुरु चंडाल, क्योंकि गुरु चंडाल योग जो है ये चल रहा है मीन राशि में जो बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति जैसे ही 30 अप्रैल को राशि बदलेंगे अपनी वृषभ राशि में जाएंगे, वहां से पूरे विश्व का, भारत का, हर जगह पर शांति सुधार और ये जो युद्ध जो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं इनसे छुटकारा मिलने का समय शुरू हो जाएगा। यद्यपि अभी 30 अप्रैल का राहु बदल है, परंतु मंगल का भ्रमण इस समय 1 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक काफी खराब है, तो ये तनाव चलता रहेगा। लेकिन जो एक प्रकार से जो हिंसा चल रही है बच्चों को, महिलाओं को, और अति रंजित खून खराबा जो हो रहा है फिलिस्तीन इजराइल में, ये चलेगा लगभग 17 नवंबर तक, क्योंकि उसे अमेरिका उसके उपरांत एक अच्छे दौर से गुजरेगा और अमेरिका का जो नियंत्रण है पूरी स्थिति में बैठ होगा, चीन इत्यादि राष्ट्रों का कोई तरह भय है नहीं, ईरान इत्यादि भी अपनी लाइन पे आ जाएगा, तो 17 नवंबर से सुधार का समय 16 जनवरी को पूरा है। सो ये मान के चलिए पूरे विश्व के लिए नीच राहु और केतु आसुरी शक्ति के निर्भर होगी, पूरे विश्व के लिए विशेषकर भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की राजनीति के लिए, जो राजनीति में गिरावट आ गया सांप्रदायिक तनाव, सब में छुटकारा लेके आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।